हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईटी स्पोर्ट हिंदी। और मैं आपका दोस्त जितेंद्र। अगर आपके चैनल पे 5, 6, 7, 8 व्यू आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी व्यू कम हो जाती हैं चैनल के ऊपर आना या बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, इसका बेसिक रीजन होता है कि जो आपकी वीडियो है उस पर आपने SEO नहीं किया होगा। अगर आप गूगल पे फाइंड करते हैं या फिर आप यूट्यूब पे फाइंड करते हैं तो आपको यही रीजन मिलता है कि SEO बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक वीडियो को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि YouTube को क्रॉलिंग करते वक्त वो वीडियो अगर बार बार अलग अलग जगह से दिखती है तो वो वीडियो को हमेशा बूस्ट करता है और आगे लेके आता है अपने YouTube चैनल पे। देखिए फ्रेंड, SEO करते ही आपकी वीडियो बूस्ट हो जाएगी और लोग आपकी वीडियो तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पर अगर आपकी वीडियो तक लोग पहुंचते हैं तो आपकी जो थंब इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है उसमें, कि लोग उस पर क्लिक करें और वो वीडियो को पूरा देखें। देखिए फिर, थंब इमेज एक बहुत ही जरूरी चीज है। YouTube वीडियो में अगर आप Facebook वीडियो बनाते हैं, वहां भी आप थंब इमेज लगाते हैं तो थंब इमेज बहुत ही जरूरी पार्ट प्ले करता है वीडियो में, तो इसके लिए थंब इमेज बहुत बेटर हो, अच्छा हो, देखने में अट्रैक्टिव हो कि लोग देखते ही सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करें। एक चीज और ऐड करते हैं इसके अंदर है आपके टाइटल और आपके कीवर्ड। मैंने काफी वीडियो देखी है लोगों की जो इनके व्यू कम आते हैं, उनके टाइटल और कीवर्ड के अंदर मैंने देखा है कि काफी डिफरेंस होता है। कीवर्ड किसी और टॉपिक का होता है और टाइटल किसी और टॉपिक का होता है, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि कीवर्ड और टाइटल एक ही टॉपिक के हो, एक ही चीज हो, वो अलग अलग बिल्कुल मत कीजिएगा। इन्हें मिक्स हो एक दूसरे के साथ, जो कीवर्ड में लिखा है वही आप टाइटल में दे रहे हो तो बहुत अच्छा काम है ये, तो इसका ध्यान रखेंगे तो ये 5, 6, 7 या 15, 20 जो भी आपके व्यू आते हैं इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देगा। तो फ्रेंड, जो मेरे सुझाव आपको ठीक लगते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।